हमारे साथ गुजरात के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोवर्धन चड़फिया मौजूद हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। गोवर्धन भाई, जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया वो तो आपके जो इलेक्शन एनालिसिस आए थे आफ्टर पोलिंग दैट वी आर क्रॉसिंग 150, तो यह गुजरात का पुराना जितना भी रिकॉर्ड है राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, सारे आंकड़े सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो क्या आप पार्टी की वजह से फायदा हो रहा है बीजेपी को? अगर ऐसा होता तो हमारे वोट शेयर कम होने के बाद अगर हमारी जीत होती तो हम ये कहते हैं कि इसकी वजह से हमारे वोटों में डिवीजन हुआ, लेकिन हमारे वोट तो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इतने साल 6 बार सरकार होने के बाद 7वीं बार अब सरकार बन रही है, इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये प्रो इनकम्बेंसी है बीजेपी के लिए गुजरात में। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित जी और हमारे भूपेंद्र भाई और हमारे पाटिल जी, ये सारी हमारी जो टीम है और हमारे कार्यकर्ता, हमारी एक बहुत बड़ी मशीनरी थी पेज कमेटी, करीबन 82 लाख हमारे आइडेंटिटी कार्ड होल्डर जिस पार्टी के पास हो उसको कौन हरा सकता है? चाहे कोई भी पार्टी आए, एक आए, दो आए, 1000 आ जाए, लेकिन बीजेपी को डेंट करने की ताकत कम से कम गुजरात में तो किसी पार्टी की नहीं है। लेकिन इस बार बागियों ने बीजेपी के माथे पे पसीना तो ला दिया था, जो टॉप लीडरशिप थी काफी बनाने के प्रयास हुए, सब कुछ। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता अपने परिवार से जाता है तो पीड़ा होती है, लेकिन कार्यकर्ता अगर माँ का आंचल छोड़ के गया और माँ के सामने लड़ने आएगा तो दर्द तो होगा ही, लेकिन रिजल्ट अभी तक आने दो। आखिरी रिजल्ट अभी 3 बजे तक, पूरे 3-4 बजे तक आ जाएंगे, तो उसमें से कितने बागी बचेंगे वो भी पता चलेगा। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 13-14% वोट आप पार्टी को मिल रहा है, ये कितने बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये जिस तरह से अगर पहली बार इतने परसेंट वोट भी मिलते हैं और उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल रहा है, वो उसकी खुशी मना रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में देर आर सर्टेन रूल्स टू एक्वायर सर्टेन वोट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो ये तो होगा, ठीक है, लेकिन कई पार्टियां गुजरात में थर्ड फोर्स नहीं चलता। गुजरात इज ए बाईपोलर स्टेट, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इट इज़ अ ट्रेंड एंड दे आर नेशनल थिंकर्स, द वोटर्स आर नेशनल थिंकर, दे आर नॉट रीजनल थिंकर्स एंड दे हैव देयर ओन पॉलिसीज। जिस पार्टी की पॉलिसी ना हो, इनविजिबल कम्युनिस्ट का हो या पार्टी विदाउट एनी आइडियोलॉजी, गुजरात कभी स्वीकार नहीं करता। लेकिन ठीक है, वोट मिला है तो मिला है, लेकिन जहाँ तक विजय का सवाल है, वो तो ख्वाब उनको देखना भी नहीं चाहिए और गुजरात की ओर आइंदा देखना भी नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल गोवर्धन भाई, क्योंकि भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में ये कहा गया था कि उनकी वही चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं हर संघवी का नाम। इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये विषय केंद्र का है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, उसमें हमारे जैसे कार्यकर्ता को न कुछ कहना चाहिए न कुछ बोलना चाहिए। पार्टी हमसे ज़्यादा सीनियर लीडर्स बहुत हैं और वॉट एवर दे डिसाइड, हम किसी नाम से बारे में कहेंगे भी नहीं, और एज ए डिसिप्लिन पार्टी वर्कर वी शुड नॉट। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये तो गोवर्धन चड़फिया, जिनका ये कहना है कि जिस तरह से एक पन्ना समिति के तौर पर बीजेपी आगे बढ़ी थी, आज उसी का परिणाम है कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। कैमरामैन प्रतीश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।